दोस्तों नमस्कार। हमारे बहुत सारे दर्शकों की फरमाइश थी, ख्वाहिश थी कि देव भाई आपने नया सेटअप, नया स्टूडियो बनवा लिया लेकिन हमें अभी तक नहीं दिखाया। तो दोस्तों दरअसल दिखाने जैसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम संसाधन है या कह सकते हैं कि गरीब आदमी का स्टूडियो है, सेटअप है, जैसे तैसे काम चला रहे हैं, जुगाड़ से काम चला रहे हैं। लेकिन फिर भी इस व्लॉग में हम आपको जितना भी संसाधन है उन सबको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए वीडियो अंत तक देखिए किस तरह से हम जुगाड़ दुगाड़ करके अपना सेटअप को तैयार किए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक गेट दिखा देता हूं जिससे हम इंटर हुए हैं। ये दरअसल आप जो देख रहे हो ये एक्यूस्टिक फॉर्म है जिसको मैंने लगा रखी है ताकि मेरे साइड में अंकल रहते हैं उनकी आवाज़ आती रहती है, इससे आवाज़ थोड़ी सी कम आती है और जो आवाज़ गूंजती है, कंपन होती है, वाइब्रेट होती है क्योंकि कमरा पूरा खाली खाली है, इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। आवाज़ ज़्यादा नहीं गूंजती, वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत सारे पैसे इन एक्यूस्टिक फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिए जो कह सकता हूँ बर्बाद ही कर दिए, फिर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ये पर्दा लगा रखा है, ऐसा कहते हैं कि पर्दों से भी आवाज़ कम गूंजती है इसलिए लगा रखा है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरी ग्रीन स्क्रीन। ये ग्रीन स्क्रीन दोस्तों मैंने टांग रखी है लेकिन इसका यूज़ बहुत कम करता हूँ क्योंकि मुझे ग्रीन स्क्रीन पर वीडियो शूट करना ठीक नहीं लगता, इसलिए इस पर शायद 2 या 3 ही वीडियो हमने शूट किए होंगे, उसके बाद बहुत कम वीडियो हम बनाते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिक बोर्ड आपको इधर दिख रहा होगा दोस्तों, इसी से सारी लाइट की सप्लाई होती है। ये नीचे उसका जो दिख रहा है आपको वो स्पाइसी रखिए, इसी से मैं अपनी लाइट का जो है वो पूरा काम धाम करता हूँ, सप्लाई देता हूँ। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर आप देख रहे हो ये सिल्वर स्क्रीन है, जो आप सब लोगों की जो प्यार है, आप सब लोगों का जो प्रेम है, उसकी वजह से 1 लाख जब सब्सक्राइबर होते हैं तब स्वरूप की तरफ से वो मिला हुआ है, उसको लटका रखा है। उसके बाद दोस्तों ये मेरे वीडियो में अक्सर आप देखते होंगे, ये आपको बैकग्राउंड में नज़र आती होंगी, तो ये भी एक्यूस्टिक फॉर्म है और एक्यूस्टिक फॉर्म लगवाने के पीछे सिर्फ एक ही उद्देश्य, जो आवाज़ गूंजती है, जैसे अभी भी मेरी आवाज़ वाइब्रेट हो रही होगी, ज़्यादा गूंज रही होगी, तो वो वाइब्रेशन या कह सकते हैं आवाज़ को गूंजने को कम करता है, यानी कि आपकी वॉइस को थोड़ा सा रिड्यूस करने का काम करता है और ज़्यादा कुछ नहीं करता वैसे। उसके बाद दोस्तों आपको दिखा देता हूँ मैं इधर, ये कुछ सामान रखे हैं ऊपर, जैसे आपको मंदिर आपको दिखाता हूँ जिसमें भगवान अभी नहीं है और मेरे एक फ्रेंड ने दिया थे मुझे ये, और ये ऊपर कुछ मेरे सामान रखे हैं, कुछ खाली बॉक्स इसलिए रख रखे हैं ताकि इससे भी आवाज़ को फ़र्क पड़े, मेरी आवाज़ ज़्यादा ना गूंजे। अधिकांश जो डिब्बे दिख रहे हैं वो खाली है, ये जूते के डिब्बे हो गए या कुछ का कुछ भी कैमरे के डिब्बे हो गए। उसके बाद ये भी एक्यूस्टिक फॉर्म मैंने इसीलिए लगवा रखी है ताकि आवाज़ के कारण तो पूरे कमरे में एक्यूस्टिक फॉर्म आपको नज़र आएगी। अब आपको दिखाता हूँ ये ऊपर भी एक्यूस्टिक फॉर्म है। अब आपको मैं दिखाता हूँ ये गेट है हमारा, ये भी पर्दा लगा हुआ है, ये एक और सेकंड गेट है जिसको मैं अपनी गैलरी की तरफ जाता हूँ। जैसे ये खोलता हूँ तो ये पूरा गैलरी आ जाती है मेरी, ये यहाँ से आपको पूरा गांव नज़र आता होगा और ये नीचे रास्ता है और ये पूरा मकान वगैरह है गांव के, और इसको वीडियो शूट करते वक्त मुझे बंद ही करना पड़ता है क्योंकि बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती है, कुत्ते भौंकते हैं और कभी कभी गाय रंभाती है, कभी ट्रैक्टर निकल जाते हैं, कभी फोर व्हीलर, कभी टू व्हीलर, इसलिए इसको मैं हमेशा बंद करके ही रखता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, मेरे वो इक्विपमेंट दिखाने वाला हूँ जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट करता हूँ, क्या क्या जुगाड़ कर रखे वो भी चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं डस्टबिन से। तो ये डस्टबिन रखा है मेरा, इसको मैं डस्टबिन के तौर पर यूज़ करता हूँ, जो भी इससे झाड़ू कचरा निकलता है उसका। उसके बाद मैं आपको लाइट का सेटअप मेरा दिखा देता हूं। तो ये मेरा लाइट का सेटअप है, उसके बाद मैं आपको पूरा और दिखाऊंगा, ये आपको जूम करके दिखा देता हूं। ये मेरी लाइट है, ये बल्ब मैंने जुगाड़ से, सारी चीज़ जुगाड़ से बनाई है। ये पीवीसी पाइप है और पीवीसी पाइप को मैंने, ये 1 इंच वाला पीवीसी पाइप है, इसको मैंने आधा इंच वाली और पीवीसी पाइप को घुसेड़ रखी है, और ये डिब्बा है, काटा हुआ डिब्बा जो तेल वगैरह का टीन रहता है उसको मैंने काट लिया है, उसमें रेत भर लिए और रेत भर के मैंने ये ऐसा सेटअप बना लिया पूरा। ये तो ये लाइट है दरअसल मेरी, एक लाइट हो गई और ऐसी लाइट ये है उसको भी मैंने कुछ इसी तरह बना रखी है, और ये तीसरी लाइट है जो एक मेरी स्टैंड थी वो ख़राब हो गई थी इसीलिए मैंने उस पर एक लाइट माउंट कर दे। ये मेरा लाइट सेटअप है। कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई ये क्या लाइट सेटअप है, तो दोस्तों दरअसल लाइट सेटअप बहुत महंगा आता है और स्टूडियो बनाने
के टाइम पर बहुत सारे पैसे उस समय खर्च हो गए, जो यूट्यूब की कमाई थी वो सारे मैंने स्टूडियो में लगा दी। उसके बाद कुछ भी नहीं था तो मैंने लाइट सेटअप वगैरह कुछ नहीं खरीदा, तो इन्हीं से मैंने जुगाड़ करके लाइट सेटअप बना लिया। अब उस मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा, ये मेरा कैमरा है दोस्तों, ये भी यूट्यूब की कमाई से ही मैंने खरीदा है, अपने पैसों से नहीं खरीदा है। ये कैनन 200D Mark II है, मैं इसी से अपने वीडियो शूट करता हूँ, ऐसे ही माउंट रहता है ये। और अब आपको मेरा चेयर दिखा देता हूँ, ये दरअसल मेरी बेंच है, फोल्डेबल बेंच है, जो मैंने 12th में पढ़ता था तब खरीदी थी, उसी से काम चला रहा हूँ। ये मेरा लैपटॉप है, इससे वीडियो एडिटिंग करना या कुछ भी चीज़ें करना रहती है तो मैं अधिकांश समय इसी पर बिताता हूँ जब फ्री रहता हूँ तब। ये छोटा सा फ़ैन है, ऑनलाइन ख़रीदा था क्योंकि रूम में गर्मी बहुत होती है, एसी वगैरह नहीं है, पूरा कमरा पैक है तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको फ़ैन दिखाता हूँ, ये फ़ैन है लगा हुआ है इसमें, लेकिन ये बहुत कम धीमी चाल पर चलाना पड़ता है क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा शोरगुल करती है, इसलिए मैं इसकी हेल्प लेता हूँ इस फ़ैन की, तो इस फ़ैन से हल्की सी गर्मी मिटती है, लेकिन फिर भी आपको को नज़र आता ही है कि मेरे इसमें पसीना पसीना रहता ही हूँ मैं। ये सेल्यू टेप है, थोड़ी बहुत कहीं कुछ काम आती है। ये मेरा कॉम्ब है कंघा, जिससे मैं बाल सही करता हूँ। ये मेरा चश्मा पड़ा हुआ है, इसको मैं लगाता हूँ, ये घर पे रखा है मेरा। और ये दरअसल मेरी स्क्रिप्ट लिखने के लिए रजिस्टर है, और उसी के साथ मेरा ये पैड है, इस पर जो भी लिखना होता है, जैसे अभी क्या लिखा रहा है, हमारा नेता कैसा हो, कंगना रनौत जैसा, जो चीज़ भी कुछ भी लिखना होता है वो इसी पैड पर लिख कर अपना काम करता हूँ। और मेरी चेयर, वो चेयर तो भूल रहा था मैं, ये गद्दा, ये चेयर है मेरी तकरीबन 7-8 साल पुरानी चेयर है, और इस पर मैं छोटा चेयर है तो मैं ऐसे ये अपना गद्दा रख लेता हूँ ताकि बराबर फिट हो जाऊँ मैं। अब चलिए आपको बता देता हूँ, ये मेरा कैमरा का बैग रखा हुआ है, ये लाइट का सारा सेटअप, मैं आपको लाइट चला के दिखा देता हूँ, जैसे मुझे लाइट चलाना है तो मैं क्या करूँगा, ये भी जुगाड़ तुगाड़ कर रखी है लाइट का, ये ऐसा और ये ऐसा। अब आपको लाइट नज़र आएगी, ये एसी लाइट चलती है, थोड़ी सी स्पार्किंग होती है, कुछ अंदर से प्रॉब्लम है, तो बस मैं यहाँ बैठ जाता हूँ अपनी इस चेयर पर, और सामने कैमरा लगा रहता है, उसी से बस जो भी कहना होता है, जो भी करना होता है वो वीडियो शूट करता हूँ। तो ये मेरा पूरा लाइट सेटअप होगा, ये मेरे चेयर हो गई और ये मेरी बेंच हो गई, सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी। उसके गरीब सेटअप है, और कह सकते हैं अभी ये जो लेंस देख रहे हैं इसमें, ये अभी कैमरे के साथ आया था, यही लेंस है, और क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है इसकी, लेकिन जो अच्छा लेंस आता है अभी उसको मैं परचेस करने के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि यूट्यूब पर आप इनकम देख ही रहे हो, ख़त्म हो गई ना के बराबर हो गई, इसलिए मैं इस कैमरा का लेंस अभी परचेस नहीं करूँगा। जब भी मेरे पास कुछ पैसे आएंगे ज़्यादा तभी एक अच्छा लेंस परचेस करूँगा। अभी जो किट वाला लेंस है उससे मैं काम चला रहा हूँ, इससे वीडियो शूट होता है। ये पूरा सामने का नज़ारा होता है, ऐसा कैमरा लगा रहता है, ये फोल्डेबल है, इसकी विंडो ऐसी हो जाती है, ये बस, और अपना काम शुरू कर देता हूँ। तो दोस्तों ये पूरा सेटअप आपने देख लिया, अब शायद अब क्या बताऊँ आपको, कुछ बताने जैसा नहीं रहा। दोस्तों आप ये जो किताबें देख रहे हो ये कोई शोपीस की तरह नहीं है कि बस दिखाने के लिए रख ली अलमारी में और ख़ुद को इंटेलेक्चुअल समझने लग गए। मेरी आदत हमेशा से रही है कि किताबें कम पढ़ता हूँ, लेकिन जितनी भी पढ़ता हूँ उनको फिर संभाल कर रखता हूँ अपनी अलमारी में। जैसे कि अडोल्फ हिटलर को मैंने पढ़ा है, महात्मा सुकरात को मैंने पढ़ा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मैंने पढ़ा है, शेक्सपियर को मैंने पढ़ा है, श्रीकांत को पढ़ा है, सेवासदन प्रेमचंद साहब को पढ़ा है, गबन पढ़ी है, चेतन भगत को खूब पढ़ा है मैंने, आचार्य रजनीश को खूब पढ़ा है मैंने, ऑफ द स्क्रीन ये ब्रजेश राजपूत जी की किताब है उसको भी मैंने पढ़ा है, भारतीय समाज को पढ़ा है, पवित्र कुरान को मैंने पढ़ा है, उसके बाद फिर चेतन भगत क्या ये, और ये सबसे जो लास्ट में दिख रही है ये हमारे महात्मा गांधी जी की जीवनी है, आत्मकथा है, माफ़ कीजिए आत्मकथा है, इसको मैंने कम से कम 3 बार पढ़ी है। उसके बाद नीचे आपको ये दिखेगी, ये भी मैंने सब पढ़ा हुआ है, इसमें अधिकांश जो आपको दिखेगी वो मैगजीन है और वो आचार्य रजनीश की है। तो इन सब किताबों को मैंने कई एक दफ़ा नहीं, कम से कम 3-3 दफ़ा पढ़ा है, और अब पढ़ने का टाइम नहीं मिलता इसलिए इसमें कोई इजाफा नहीं हो पाया। ये बहुत दिन से ऐसे ही रखी है, जब भी मूड होता है तब पढ़ लेता हूँ, बाकी बस इन किताबों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये बेशक सही है यार। तो दोस्तों आपने देख लिया हमारा छोटा सा स्टूडियो, वैसे दिखाने लायक कुछ था नहीं क्योंकि संसाधन की बेहद कमी है, लेकिन जुगाड़ दुगाड़ करके हम अपना काम चला रहे हैं, धका रहे हैं, बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी उनकी फरमाइश भी हमने पूरी कर दी। आपको एक चीज़ और दिखाना भूल गए, ये माइक, जी हाँ, ये
बोया M1 का माइक है जो अधिकांश यूट्यूबर यूज़ करते हैं, हम भी इसी का इस्तेमाल करते हैं, कैमरे में इसको लगा देते हैं और अपना वीडियो इसी के माध्यम से हम शूट करते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा गरीब स्टूडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। अगर पसंद आया तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना, क्या भविष्य में इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं ये भी ज़रूर बताना। नमस्कार।